आजमगढ़ में गौर जनजाति संघर्ष समिति आजमगढ़ के सक्रिय कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक सुहास प्रसाद गौर की अध्यक्षता एवं विजय कुमार गौर के संचालन में आज कुंवर सिंह उद्यान पर संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सुहास प्रसाद गौर संरक्षक ने कहा कि गौर समाज की समस्याओं के प्रति जिला प्रशासन एवं तहसील प्रशासन का रवैया नकारात्मक है। वर्तमान सरकार भी गौर समाज के लिए आदेश तो करता है परंतु पालन करवाने की जिम्मेदारी नहीं के बराबर है। संचालन विजय कुमार गौर एडवोकेट ने कहा कि गौर समाज की संगठनात्मक क्षमता दिखाने के लिए इसी माह में नेहरू हॉल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा जिसके मुख्य अतिथि सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ होंगे। सारी बातें शासन आदेश के अनुरूप विस्तार से कार्यकर्ता सम्मेलन में बताया जाएगा। बैठक को चतुर्धन प्रसाद गौर, ओम प्रकाश गौर, अरविंद कुमार गौर, शिवचंद गौर, मुनेश्वर गौर, पप्पू गौर, राकेश गौर, भीम गौर, संतोष राजबहादुर सहित तमाम लोगों ने संबोधित किया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 9 नेटवर्क और इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ के मेहता पार्क में और यहाँ पर गौर जनजाति संघर्ष समिति आजमगढ़ के बैनर तले प्रदर्शन किया जा रहा है और उसमें बात ये चल रही है कि शासन आदेश जारी होने के बावजूद भी इनका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। वही जानकारी आपको बताएंगे और क्या मामला है वो भी आपको समझाएंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम एडवोकेट विजय कुमार गौर, गौर जनजाति संघर्ष समिति आजमगढ़ के संयोजक। तैयारी किस बात को लेकर के आज आप लोग मेहता पार्क में बैठे हैं? हम लोग अपने गौर जनजाति संघर्ष समिति के कार्यकारी सदस्य की आज बैठक कर रहे हैं। हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र तमाम शासनादेश होने के बावजूद निर्गत नहीं किया जाता है तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक। आज हम कर्मकारी के लोग बैठक करके आपस में बैठक करेंगे, उसके बाद जल्द से जल्द तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन को घेरने की तैयारी करेंगे। जब तक हम लोगों के जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया नहीं किया जाएगा तब तक हम जिला प्रशासन को घेर के बैठेंगे। अभी किस कास्ट में आकर के आप लोगों का? हम लोगों का जब हमारे समाज के लोग गौर जाति के लोग आवेदन पत्र दाखिल करते हैं तहसील प्रशासन को तो बिना उनका रिकॉर्ड देखे हुए न उनका TC देखा जाता है न परिवार रजिस्टर नकल देखी जाती है न कुछ चीज देखा जाता है, तुरंत आवेदन निरस्त कर दिया जाता है कि बता दिया जाता है कि आप लोग गौर जाति में नहीं आते हैं। शासनादेश क्या कह रहा है? शासनादेश कहता है कि यहाँ आजमगढ़ जनपद में जितने गौर हैं सब गौर जनजाति के श्रेणी में हैं, पहले से सूचीबद्ध हैं। जाति प्रमाण पत्र पहले निर्गत होता था, अब 2-3 साल से निर्गत नहीं किया जा रहा है। प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? प्रशासन के लोग सीधे निरस्त कर देते हैं हम लोगों का जात प्रमाण पत्र, कहते हैं कि किसी भी श्रेणी में नहीं लाते, किसी भी श्रेणी में नहीं। हम किसी श्रेणी में जाएंगे क्यों? हम लोग का बोला अनुसूचित जनजात का मांग कर रहे हैं, हम लोग अनुसूचित जनजात में आते हैं, हम लोगों का अनुसूचित जनजात का जब तक प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होगा तब तक हम लोगों का तहसील प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक में धरना प्रदर्शन का कार्य शुरू करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और तमाम जात प्रमाण पत्र निर्गत हुए हैं, इससे पहले 2002 में अनुसूचित जनजात में घोषित थे, पहले 2002 से पहले 1967 से और 2002 तक ले पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग गौर जात के लोग अनुसूचित जात में थे, जिसके बाद 2002 में शासनादेश संशोधन करके 13 जनपद में अनुसूचित जनजात को गौर जात को रखा गया जिसमें आजमगढ़ भी शामिल है। तमाम प्रकार के शासनादेश हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद हैं, हमारे सभी किसी चीज को देखा नहीं जाता, उसके अनदेखी करके हम लोगों का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है। सरासर तहसील प्रशासन जिला प्रशासन की मनमानी चल रही है। क्या कहते हैं लोग कि हम क्या वजह रहती है कि लोग नहीं बनाने के लिए तैयार होते हैं प्रशासन के लोग? हम तो वजह बताते होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ये कहते हैं कि आजमगढ़ में गौर जाति के नहीं लोग रहते हैं। हम जिला अधिकारी महोदय तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप पूरे जिले के मालिक हैं, आप 10 मिनट में चाहेंगे अगर हम नहीं हैं तो आप शासनादेश के अनुरूप जो गौर जाते हैं एक व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए, हम मान लेंगे कि हम नहीं गौर हैं वो गौर हैं। प्रशासन कहता है कि आजमगढ़ में गौर है ही नहीं, नहीं है। शासनादेश कहता है कि आजमगढ़ में गौर हैं, ये राष्ट्रपति का शासनादेश को मानने को नहीं तैयार है तो हमारी बात क्या सुनने को तैयार होंगे जिलाधिकारी महोदय? इसी मामले को लेकर के आप लोग आज ज्ञापन सौंप? हाँ, अपन ज्ञापन सौंपेंगे और अपनी लड़ाई की रणनीति बनाएंगे। आने वाले समय में हम जिला अधिकारी को तहसील प्रशासन को घेर के बैठेंगे जब तक हम लोग जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जाता है। इस धरने में और इस संगठन में कितने लोग शामिल हैं, कौन कौन से लोग शामिल हैं? हम इस संगठन में पूरे जिले के लोग शामिल है, जितने गौर समाज के हमारे भाई हैं, स्वजाति बंधु हैं, सब लड़ाई मिलकर लड़ेंगे।
कहाँ तक जाने की प्लानिंग है अगर यहाँ से काम नहीं हुआ तो? यहाँ से क्यों नहीं काम होगा, तहसील लखनऊ से हमारा काम हो गया, दिल्ली से काम हो गया, तहसीलदार नहीं मानते हैं, क्या वाला जिला अधिकारी नहीं मानने, मानेंगे क्यों नहीं? जब तक जिला प्रशासन को घेर के बैठेंगे, तहसील प्रशासन को घेर के बैठेंगे, जब तक जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा, मनवाएंगे क्यों नहीं? अगर नहीं मानते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का मुख्यालय घेरने का कार्य किया जाएगा। तो ये लोग गौड़ समाज से हैं, गौड़ जनजाति संघर्ष समिति समाज के लोग हैं और इनके शासनादेश में एसटी में इनकी जाति को लागू करने की घोषणा हो चुकी है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है, प्रशासन खासतौर पर जिस तरह से प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ में गौड़ जाति को था ही नहीं है, और जब भी इनका प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की जाती है तो उनको हटा दिया जाता है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं है। फिलहाल आज इन लोगों का धरना कितना कामयाब होगा वो अगली खबर में आपको बताएंगे। और कैमरे के पीछे राकेश थे और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह, आप देख रहे थे न्यूज़ 9 नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।